ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमी चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाने को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आप कांवड़ियों पर फूल बरसाएं, लेकिन मुसलमानों के घर पर बुलडोजर मत चलवाइए। ओवैसी ने कहा कि यूपी में एक समुदाय के लिए इतनी मोहब्बत, वही रवैया दूसरों के साथ क्यों नहीं। सबका साथ सबका विकास की बात बार बार की जाती है, लेकिन यूपी में मुसलमानों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। ओवैसी ने एक निजी चैनल से बात करते हुए कहा कि आप यूपी में देखिए, एक और हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर फूल बरसाए जा रहे हैं, वहीं मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। आप देखिए, वर्दी में पुलिस अधिकारी कांवड़ियों का मसाज कर रहे हैं, वहीं ये पुलिस मुस्लिम लड़कों को थाने में ले जाकर डंडों से मसाज कर रही है। ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों के साथ इतना भेदभाव क्यों। अमरोहा में एक मदरसे को तोड़ दिया गया, लेकिन यह जमीन ग्राम सभा से मिली हुई थी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि रामपुर में मुस्लिम लड़के के साथ क्या हुआ। प्रयागराज में पत्नी के नाम पर घर था, वो तोड़वा दिया। आपको सिर्फ शक है तो आप घर तोड़ देंगे, सजा देने के लिए कानून है। ओवैसी ने कहा कि टीनी का घर आप क्यों नहीं तोड़ते हैं, वहाँ पर बुलडोजर भेजिए, घर तोड़िए, हमें गलत साबित कर दीजिए। ओवैसी ने कहा कि रोड पर चंद मिनट नमाज पढ़ लेने से कौन सा दंगा हो जाएगा। आप पार्क में देखिएगा वहाँ क्या हो रहा है। अलीगढ़ में लो कॉलेज में एक प्रोफेसर को नमाज पढ़ने की वजह से छुट्टी पर भेज दिया। भाई ये नहीं कह रहा कि बीच सड़क पर आकर कोई नमाज पढ़ेगा या कोई वीआईपी मूवमेंट रोक देगा, लेकिन चंद मिनट नमाज पढ़ने से क्या हो जाएगा। लखनऊ के मॉल में नमाज पढ़ने पर देखा क्या हुआ। ओवैसी ने कहा मुसलमानों के साथ भेदभाव क्यों। कांवड़ यात्रा के लिए आप टैक्स पेयर के पैसों से हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं। यूपी की भाजपा सरकार बहुत अच्छा है। आप पुलिस के होदेदार ऑफिसर उनकी पैरों की मालिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, हम इसका वेलकम करते हैं। रास्ते में लोहार की दुकान है गाजियाबाद में, आपने लोहार की दुकान को बंद कर दिया, बहुत अच्छा है। मीरठ में पुलिस स्टेशन में एक मुसलमान ऑफिसर का नाम था, किसी ने ऑप्शन किया, आपने नाम हटवा दिया, बहुत अच्छा है। भाई यही तो रहमदिली दिखाइए ना, आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं। भाई अगर कोई नमाज पढ़ता है चंद मिनट के लिए तो पॉलिसी डिस्टर्ब हो रही है, दंगा हो रहा है, और क्रिमिनल इंटेंट है ही नहीं उसमें दंगा करने का। 295 153 लगाते आप, तो आप हमसे, हम बीजेपी भाजपा की उत्तर सरकार से कह रहे हैं कि आप इक्वली ट्रीट करिए, डिस्क्रिमिनेशन करिए जो आप कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो सबका साथ सबका विकास, सब भी तो बकवास है। अगर सबका साथ है सबका विकास है तो भैया हमारे भी पैर की मालिश करिए ना आकर। आप पैर की मालिश करने की जगह हमको ले जाकर पुलिस स्टेशन में लटों से पैर पर मारते हैं, हम पर फूल नहीं बरसाते, हमारे घर पर बुलडोजर चढ़ा देते आप। ये कौन सा इंसाफ है आपका। पर वो कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की बात है, वो बुलडोजर की बात है। नहीं, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। इसी महीने में अमरोहा में जबरा गांव में एक मदरसे को इसलिए तोड़ दिया गया क्योंकि वहां पर नमाज पढ़ी जा रही थी। अब बताइए क्या है, आप क्यों कर रहे हैं ये। आप तो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं ना भाई। आपकी अगर भावना है तो क्या मेरी भावना आपकी भावना से कम है, या मेरी भावना आपकी भावना ज्यादा, सबकी भावना बराबर है। भारत में किस इस देश का कोई रिलीजन नहीं है, ये इसकी खूबसूरती है।